हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फुल कॉलर कुर्ती की कटिंग करके दिखाऊंगा। ये कटिंग करने के लिए हमारे पास जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। लेंथ हमारी जो कुर्ती की रहेगी वो है 42 इंच, बस्ट साइज हमारा 39 इंच है, वेस्ट साइज 34 इंच पे है और हिप जो हमारे है 41 इंच पे है। तो यह हमारा बिल्कुल तैयार मेजरमेंट है, इसके हिसाब से हम आपको कुर्ती की कटिंग करके दिखाएंगे। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये डबल फोल्ड में ये अपना कपड़ा यहाँ पे बिछा रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की तरफ इंच टेप रख कर सबसे पहले लंबाई का मार्क लगाएंगे जो हमारा है 42 इंच पे। तो हम यहाँ पे 42.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है आर्म होल। आर्म होल का निशान हम यहाँ पे 7.5 इंच पे लगाएंगे, बस साइज के हिसाब से हम यहाँ पे 7.5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद आती है हमारा दोस्तों वेस्ट। वेस्ट का निशान हम 14.5 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान हम यहाँ पे 22 इंच पे लगाएंगे। इसी तरह हम इस तरफ भी मार्क कर देंगे और इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे फूटे से। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड यहाँ पे हम जो हमारा तीरा होता है शोल्डर उसका निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा जो तीरा टोटल है 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रख के और इसको फुटे से सीधा मिला लेंगे। इसके बाद हम नीचे की साइड यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे पीछे की साइड और उसको यहाँ पे तिरछा इस तरह से मिला लेंगे। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे लगेगा बस्ट का निशान। तो बस्ट हमारी जो निशान है उसका चौथा हिस्सा हमारा आता है 9.75। यहाँ पे 9.75 का निशान लगाएंगे और वेस्ट पे हम यहाँ पे 8.5 पे निशान लगेंगे। ये हमारा चौथा हिस्सा है और यहाँ पे हम 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे हिप का। अब इन निशानों को हम फूटे से सीधा मिला लेंगे। यहाँ पे हम बस्ट का जो निशान लगाएगा हम यहाँ पे थोड़ा लगाएंगे तिरछा फुटा जो हमारा है क्रब्स कर। ये निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे हम ये आर्म क्रब से इस तरह से यहाँ पे गोलाई देंगे और जो बैक का हिस्सा है उसका भी हम इस तरह से गैप छोड़ के निशान लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे निशानों के ऊपर। यहाँ पे हमने यह कुटका लगा लिए हैं जहाँ जहाँ हमारे निशान है। अब यहाँ पे दोस्तों हम गला रखेंगे। गला यहाँ पे हमारा 6 इंच का गला आएगा, तो यहाँ पे हम उसका हाफ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे आगे की तरफ हम मुड्डा को जो मैक्सिमम हम आधा इंच लेते हैं, तो इसमें हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। डाउन रखेंगे मुड्डे को 1 इंच और इसको इस तरह से मिला लेंगे 1 इंच डीप रख के डाउन रख के। तो इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम कुटका लगा लेंगे। अब ये हमारे यहाँ पे निशान लग चुके हैं। अब हम दूसरी साइड भी इसको इसी तरह हल्का से पलट के जहाँ जहाँ हमारे निशान है बिल्कुल उसके हिसाब से इसको भी निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हम फूटे से इसको निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं दोनों तरफ। अब हमारा आगे का हिस्सा हमने फ्रंट साइड है और कट कर लिया है। अब हम जो हमारा बैक का पार्ट है उसको हम इस तरह से सीधा बिछा लेंगे। यह हमारा इसको हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा बिछा लिया है। ये भी हमने फोल्ड करके दो तह में लगाया है, डबल फोल्ड इसका किया है हमने, फोल्ड किया है। अब हम इस पे ऊपर की साइड यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो हमने फ्रंट का जो पार्ट्स कट किया था उसको इसके लाइन के बिल्कुल साथ मिला के रखेंगे 1 इंच का गैप छोड़ के।
ऊपर की तरफ हमारा जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, यह हमारा गैप यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, पीछे का हिस्सा हमारा आगे के हिस्से से 1 इंच एक्स्ट्रा कट होएगा और इसको इस तरह से मिला लेंगे। यह निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से ऊपर की साइड से। बिल्कुल हम इसके साथ साथ इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दोस्तों जो आगे की साइड हमने गोलाई दी थी, आगे का हिस्से को हम इसको छांट लेंगे ऊपर वाले हिस्से को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो कुर्ती की कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।